सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बेल आइकन को दबाइए कुछ नया सीखने के लिए। हेलो दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। मैं हूँ विश्व। तो आज का ये वीडियो सवाल के जवाब में है कि अगर मान लीजिए कि हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट का जो इरेजर है उसका साइज इंक्रीज करना चाहते हैं, मतलब जो नॉर्मल उसमें दिया होता है उससे ज्यादा इंक्रीज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम कंट्रोल और न्यूमेरिक साइड में जो प्लस साइन होता है उसको एक साथ दबाते हैं तो जो आपका इरेजर का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि बहुत सारे कीबोर्ड में न्यूमेरिक होता ही नहीं है, न्यूमेरिक कीपैड नहीं होता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम इंक्रीज करेंगे अपने इरेजर का साइज अगर न्यूमेरिक कीपैड नहीं है हमारे पास, जो हमारा कीबोर्ड है लैपटॉप में या कंप्यूटर में। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पेंट पर इससे पहले भी कई इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं कवर कर चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप वो वीडियोस देख सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास न्यूमेरिक कीपैड नहीं है तो उस केस में आप ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, विंडो की के साथ आर प्रेस करिए तो रन कमांड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में या नीचे रन कमांड ओपन है। अब यहाँ पे हमको टाइप करना है OSK, बस OSK टाइप करिए और नीचे से ओके बटन पे क्लिक करिए तो आपका ऑन स्क्रीन जो है वो कीबोर्ड ये देखिए ओपन हो गया। अब यहां पर भी राइट साइड में देखिए न्यूमेरिक कीपैड आपको दिख रहा है, ये कभी कभी मतलब यहां पर नहीं शो कर रहा है। तो अगर मान लीजिए आप में शो कर रहा है तब तो कोई बात नहीं है, और अगर नहीं शो कर रहा तो हमको क्या करना है, देखिए ऑप्शन का बटन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, मैंने कर्सर यहाँ पे रखा तो ये व्हाइट से शो कर रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए तो ऑप्शन का देखिए छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए टर्न ऑन न्यूमेरिक कीपैड को मैंने चेक मार्क किया हुआ है। अगर आप में न्यूमेरिक कीपैड नहीं शो कर रहा हो तो यहाँ पर चेक मार्क नहीं होगा, तो उसको चेक मार्क कर दीजिए और नीचे से ओके पे क्लिक करेंगे तो न्यूमेरिक कीपैड यहाँ पर शो करने लगेगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, हमको सबसे पहले इरेजर पे क्लिक करना है। ये देखिए इरेजर मेरा यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इरेज करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब देखिए इसका इंक्रीज कैसे करते हैं साइज। कंट्रोल की अपने फिजिकल कीबोर्ड यानी कि जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में जो कीबोर्ड है उसमें कंट्रोल की दबा करके रखिए। ठीक है, तो देखिए मैंने होल्ड करके रखा हुआ है, तो आपको अपना जो कंप्यूटर या लैपटॉप में कीबोर्ड है उसको दबा करके रखना है, कंट्रोल की दबा करके रखना है और यहां पर देखिए प्लस साइन पे क्लिक करते जाइए न्यूमेरिक कीपैड वाले पे। ठीक है, अभी आपको वहां पर नहीं दिखाई पड़ेगा, जब चार पांच बार आप प्लस साइन कर लेंगे उसके बाद जब आप ले जाएंगे तो यहां पर देखिए ये इरेजर का साइज जो है वो इंक्रीज हो गया है ना। ठीक है, ये इंक्रीज हो गया। तो इस तरीके से जितनी बार भी आप कंट्रोल की फिजिकल कीबोर्ड या कंप्यूटर का जो कीबोर्ड है उसमें दबा करके रखेंगे और न्यूमेरिक कीपैड बोर्ड ऑन स्क्रीन कीबोर्ड का जो प्लस साइन है उसको दबाते जाएंगे तो ये देखिए इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है,